हेलो गाइस, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट टू एक बार प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ L1 L2 और L3 जो डेस्कटॉप सपोर्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस क्या होते हैं। एक्चुअली L1 L2 और L3 एक लेवल्स है जिसमें आपको डेस्कटॉप लेवल 1, डेस्कटॉप लेवल 2 और डेस्कटॉप लेवल 3, उसके बाद आप सर्वर लेवल पर काम करने लगते हैं। तो एग्जैक्टली बेसिक लेवल्स है जिसमें आपका स्टैंडर्ड लेवल बढ़ता जाता है, लेकिन जो इंटरव्यू क्वेश्चंस रहते हैं वो क्वेश्चंस इंटरव्यू में कॉमन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पूछा जाता है कि व्हाट इज डेस्कटॉप सपोर्ट। तो एग्जैक्टली आपको इसमें डेस्कटॉप सपोर्ट के बारे में कुछ बातें बताना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली डेस्कटॉप सपोर्ट होता क्या है, उसमें करते क्या है। दूसरी बात कि व्हाट इज डोमेन मीन्स, यानी जब आप किसी कंपनी के नेटवर्क में काम करते हैं और बहुत सारे कंप्यूटर्स एक मशीन के साथ कनेक्ट रहते हैं तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल यूनिट। और जो डोमेन करता है, यानी डोमेन एक मशीन होती है जो हर एक कंप्यूटर को मॉनिटर करती है, कंप्यूटर पर ध्यान रखती है, ठीक है। उसके बाद का इंटरव्यू क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज आउटलुक मीन्स। अब जब हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स मेल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जीमेल है, रेडिट मेल है या फिर बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स है ईमेल के। तो आउटलुक भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंपनी के नेटवर्क में यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका एक बेसिक यूज़ है कि इसकी जो मेल्स है आप किसी सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं और जो इंटरनल कम्युनिकेशन है वो फास्ट रहता है। उसके बाद आउटलुक कैसे वर्क होता है, तो इसके लिए आपको बहुत सारी बातें जानना जरूरी है कि आउटलुक कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके बाद OST क्या रहती है, PST क्या रहती है, उसके बाद मेलिंग सिस्टम क्या रहता है, उसके बाद OS इंस्टॉलेशन का आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए। अगर आपको OS इंस्टॉलेशन का नॉलेज हो तो डेफिनेटली आपको ये फील्ड हेल्प जरूर करेगी। उसके बाद बेसिक डिफरेंस पूछा जाता है कि OST और PST में डिफरेंस क्या है। तो जब आप आउटलुक में वर्क करने लगेंगे तो आपको ये बेसिक डिफरेंस अपने आप समझ आएगा कि व्हाट इज OST और व्हाट इज PST। तो OST बेसिकली आउटलुक की जो सर्वर फाइल्स रहती है, जैसे कि आप जीमेल में कहीं पे भी लॉग इन कर लो तो आपको वो फाइल्स सेम मिल जाएगी, वैसे ही आउटलुक का रहता है। जब आप दो सिस्टम पर लॉग इन करते हैं तो आपको जो सेम फाइल्स मिलती है सर्वर की उसको OST कहते हैं। और OST का अगर आप बैकअप लेके रखें किसी सिस्टम पर तो PST के नाम से स्टोर होता है। उसके बाद हाउ टू रिकवर डिलीटेड डेटा, ठीक है। तो आप डिलीटेड डेटा कैसे रिकवर करेंगे, उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से, उसके पेड लाइसेंस से, पेड कॉपी से, लेकिन कंपनी कोई एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज करती है। कोई जैसे कि मैं जानता हूँ कि एक स्टेलर का CD है जिसके जरिए आप कोई भी डिलीटेड डेटा या फिर कोई भी पासवर्ड जो यूजर ने डाला है तो उसको रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद टिकटिंग टूल्स पे आपको काम करना पड़ता है। तो अगर आप किसी कंपनी के इन्वायरमेंट काम कर रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड टिकटिंग टूल, यानी जब कोई इंसिडेंट हैपन होता है तो कोई यूज़र उसका एक टिकट रेज करता है और उस टिकट के जरिए आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, यूज़र कौन है, लोकेशन क्या है, और उस पर आप काम करते हैं। तो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है कि कोई इंसिडेंट रेज करने का। उसके बाद आपको आउटलुक और जीमेल में डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाई वी यूज आउटलुक अदर देन जीमेल्स। तो जीमेल की फाइल आप स्टोर करते समय डिफिकल्टीज होती है और जो कम्युनिकेशन मीडियम है वो स्ट्रांग नहीं है। जीमेल ग्लोबली कनेक्टेड है लेकिन आउटलुक आप किसी एक इन्वायरमेंट में कनेक्ट कर सकते हैं, एज अ सिक्योरिटी पर्पज आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद वर्क ग्रुप और डोमेन में डिफरेंस पूछा जाता है। तो डोमेन एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रहता है जिसमें हर किसी मशीन पे आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन वर्क ग्रुप में आप ऐसा नहीं कर सकते। वर्क ग्रुप में जिस मशीन पे आप आपका क्रेडेंशियल स्टोर कर देते हैं बस फिलहाल उसी मशीन पे आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद का बेसिक क्वेश्चन है कि यूजर मैनेजमेंट, अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट पे काम कर रहे हैं तो बहुत सारे यूजर्स को आपको डील करना पड़ता है। तो यूजर मैनेजमेंट एक कंसेप्ट है कि आप यूजर को कैसे मैनेज करेंगे। तो इंटरव्यू में ये भी सवाल पूछा जाता है, इसका जवाब आपको देना पड़ सकता है। उसके बाद एंटीवायरस के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है कि एंटीवायरस कौन से, उसके टाइप कैसे और कौन सा एंटीवायरस कैसे वर्क होता है। तो इसका नॉलेज भी आपको होना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैकैफे है, क्विकिल है, NPAV है। तो बहुत सारे एंटीवायरस है, मैकैफे एक रेयर यूज होने वाला एंटीवायरस है। तो उसका इंक्रिप्शन कैसा रह सकता है, उसका डिक्रिप्शन कैसे कर सकते हैं,
तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक थोड़ा सा भी नॉलेज इसके बारे में है तो आप बता सकते हैं, बाकी का आप जब कंपनी इन्वायरमेंट में चले जाएंगे तो खुद ब खुद जान जाएंगे उसके बारे में। उसके बारे में आपको इंक्रिप्शन डेटा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि डेटा एक्चुअली इंक्रिप्शन कैसा रह सकता है, क्योंकि कंपनी का डेटा सिक्योरिटी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न है जिसको आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद जब कोई पीएसटी करप्ट हो जाती है, यानी 10 GB के आगे कोई पीएसटी हो तो वो करप्ट हो जाती है, तो उसको रिकवर कैसे करें इसके बारे में भी कोई सवाल पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। उसके बाद ओल्ड डेस्कटॉप सपोर्ट का एक्सपीरियंस भी पूछा जा सकता है कि एग्जैक्टली आपको ओल्ड डेस्कटॉप सपोर्ट का कितना एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे भी आपको जॉब मिल सकता है। तो बेसिकली क्वेश्चंस थे जो डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए पूछे जाते हैं, रेयरली यही क्वेश्चंस है। तो होप कि अगर आप ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपको डेस्कटॉप सपोर्ट का जॉब जरूर मिल जाएगा। सो गाइज, ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में कहना ना भूले, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में मैं आपको बहुत सारे टेक्निकल्स वीडियो डालता रहता हूँ जो डे टू डे लाइफ में आपको हेल्पफुल साबित होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।